वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। आज ये मेरी दूसरी कमेंट्री है ऑन द हमास इसराइल की जो जंग शुरू हो गई है उसके ऊपर। और इससे पहले मैंने इंग्लिश में बात की थी, आप लोग जरूर जाके उसे देखिए। उसे काफ़ी तफसीलन मैंने जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है, इंटेलिजेंस फेलियर, मिलिट्री फेलियर, सिक्योरिटी फेलियर, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का रोल, हमास का रोल, इन सब चीज़ों पर तबसरा किया था। आप उसे भी देख लें। और मैं इस ज़रा छोटे से ब्रीफ में आपको अपडेट दूंगा कि क्या हालात हुए हैं और उसकी थोड़ी बहुत एनालिसिस। आप सब जानते होंगे कि मैं पिछले 2-3 दिन से यहाँ इटली में रोम में ट्रैवल कर रहा हूँ और एक हफ्ते तक और मजीद मैं यहीं पर रहूंगा, दूसरे शहर भी जाऊंगा। यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस है जिसे अटेंड करने में आया था और मैं थोड़े दिन पहले आ गया क्योंकि मैंने रोम कभी देखा नहीं था, तो इस बहाने रोम को भी देखने का मौका मिल गया। यहाँ पे भी काफ़ी डिस्कशंस हुए। मैंने कल एक यहाँ की जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, लुइस यूनिवर्सिटी, जिसका बहुत क्लोज ताल्लुक है इटालियन फॉरेन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह यहाँ आते जाते रहते हैं। इनफैक्ट आज साउथ अमेरिका के एक फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे लेक्चर दे रहे, तो मैंने वहाँ कल लेक्चर दिया था और इस मौजू पे भी काफ़ी सवाल जवाब हुए थे। जाहिर है ये यूरोप है और यहाँ पे इसराइल की सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी परेशानी है। लोग बहुत सीरियस सवाल कर रहे हैं और डिस्कशंस हो रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको ब्रीफ करना शुरू करूँ, वो लोग जो कॉन्वर्सेशन देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज कॉन्वर्सेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलें। और अगर आप चाहते हैं कि कॉन्वर्सेशन को सपोर्ट करें तो आप इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन का बटन सब्सक्राइब बटन के बिल्कुल बाजू है। अगर बटन नज़र नहीं आया, बाज़ मुल्कों में नज़र नहीं आता वो बटन, तो आप प्लीज़ वीडियो डिस्क्रिप्शन में, मैं वहाँ पे एक लिंक लगाता हूँ, उसे जाकर आप क्लिक कर दें। तो पहली जो चीज़ ये है कि आप सब तो जानते हैं कि ये एक बहुत ही मैसिव स्केल पर, अनइमेजिनेबल लेवल पर हमास ने हमला किया इसराइल के ऊपर। एक तरह से ये कहना कि हमास ने इसराइल पे हमला किया इज एज इफ सेइंग कि ये दो मुख्तलिफ मुल्क हैं। इट इज़ नॉट। गाजा से विड्रॉ तो ज़रूर की है इसराइल ने 16 साल पहले, लेकिन उसको पूरी तरह से ब्लॉकेट किया हुआ है पिछले 16 साल। ना अंदर कोई जा सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है। अब इस जंग की हालत में इसराइलीज अगर चाहें इसराइल छोड़ के जाएं तो वो सीधा एयरपोर्ट जाकर हवाई जहाज ले सकते हैं। हालांकि काफ़ी फ्लाइट्स कम हो गई हैं लेकिन अभी चल रही हैं। लेकिन गाजा के लोग अगर इस जंग से ऑर्डिनरी लोग भागना चाहते हैं तो वो कहीं नहीं जा सकते। सिर्फ दो एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स है, नॉर्थ में इसराइल है, साउथ में इजिप्ट, और दोनों पिछले 16 साल से बंद है। तो इसलिए भी फलस्तीनियों ने गाजा को कहते हैं कि ये ओपन एयर प्रिजन है दुनिया की सबसे बड़ी, जिसमें एक बहुत ही छोटे से इलाके में तकरीबन 25 लाख लोग बिल्कुल गिचमिच की तरह फंसे हुए हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि जब भी इसराइल हमले करता है, इसराइल ने 5 जंगें की हैं पिछले 20 साल में गाजा के ऊपर, तो काफ़ी सिविलियंस मारे जाते हैं। अभी जब जो करंट टोटल नज़र आ रहा है कि तकरीबन 900 इसराइली मारे गए, फौजी और सिटीजन्स, और तकरीबन 2000 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं। फलस्तीन में 700 से ज़्यादा सिविलियंस और बच्चे, तकरीबन 91 बच्चे मारे गए हैं, औरतें भी मारी गई हैं। और इसराइल कह रहा है कि खुद इसराइल के अंदर उनको तकरीबन 150 हमास फाइटर्स की बॉडीज मिली हैं। तो ये जो कैजुअलिटी फिगर्स हैं इसमें, चंद घंटों पहले जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस पर मीटिंग की, अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि एक बहुत ही सख्त हमास का कंडेमनेशन आए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पर। अमेरिका सिर्फ एक एजेंडा पॉइंट लेकर आया था कि सिर्फ हमास की बात की जाए और सिर्फ हमास को कंडेम किया जाए, लेकिन वो फेल हो गया। उसमें दूसरे ममालिकों ने दूसरा रास्ता अपनाया, खासतौर से रशिया ने। और रशिया की जो पोजीशन थी कि वो एक ब्रॉडर स्टेटमेंट देना चाह रहे थे कि भाई ये हमला तो हुआ है, इसकी निंदा जरूर करनी चाहिए, लेकिन ये हमला क्यों हुआ और
पीस प्रोसेस का क्या हुआ? 30 साल से पीस प्रोसेस चल रहा है, 1 इंच नहीं। दूसरी चीज यह है कि दिन ब दिन जो है सो इसराइल सेटलमेंट बनाता है उन जगहों पर जहां पे पैलेस्टीनियन स्टेट का प्लान बना हुआ है। तो एक तरह से इंटरनेशनल रूल्स और नॉर्म्स, ये खुद यूएन भी एक्नॉलेज करता है, इसराइल रोज तोड़ता है उसके ना तो इंटरनेशनल रिलेशन ऑर्गेनाइजेशंस जैसा कि यूएन है या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ना यूएस कुछ कदम उठाती, उल्टा यूएस इसराइल को प्रोटेक्ट करते रहती है इवन दो वो इंटरनेशनल लॉ रोज लिटरली रोज आना तोड़ता है। और पिछले 5 6 साल में कई लिटरली हजारों फलस्तीनी सिविलियंस, मोस्ट ऑफ देम खासतौर से वेस्ट बैंक में जो सिविलियंस ही हैं वो मारे गए हैं, उसके बारे में भी रशिया यहाँ पर डिस्कशन लेना चाह रहा था। चाइना खुद भी पीस प्रोसेस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी कहा कि भाई पीस प्रोसेस के बारे में बात करनी चाहिए। तो ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें क्लियरली डिवाइडेड थे, जो सिर्फ हमास के बारे में बात करना चाह रहे थे और वो मुल्क जो पूरे मसले के बारे में बात करना चाह रहे थे। और जाहिर है कि जब ब्रॉडर डिस्कशन होता है तो उसमें अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का रोल, जो मेरी नजर में इज ए टोटल फेलियर, पिछले 40 50 साल से सिवाय अमेरिका के और कोई मुल्क अरब इसराइल के मसाइल के बारे में बोलने की हिम्मत भी नहीं की और बोलने की इजाजत भी नहीं मिली, और अमेरिका ने कोई स्टेप्स फॉरवर्ड नहीं लगाए। अब्राहमिक एकॉर्ड्स उन्होंने शुरू किए थे, लेकिन जिस तरह से तेजी से नेटो का एक्सपेंशन की वजह से उन्होंने मजबूर कर दिया कि रशिया यूक्रेन पे हमला करे, उसी तरह से जिस तरह से तेजी से अब्राहमिक एकॉर्ड्स वो आगे बढ़ाना चाह रहे थे अरब और इसराइल के बीच में सुलह करा के प्रॉस्पेरिटी की तरफ नई एक मिडल ईस्ट कायम करना चाह रहे थे, लेकिन जिसमें फलस्तीनियों का कोई जिक्र नहीं, उनके राइट्स, उनके हुकूक, उनके नेशनल एस्पिरेशंस के बारे में कोई प्लान नहीं था। तो ऐसा जैसा कि उनको बस गार्बेज बिन में छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे थे, और उसका नतीजा ये हुआ कि हमास के एक हमले में सारा का सारा अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी का जो प्लान था वो उल्टा हो चुका है। और अब ये मसला फलस्तीनी के प्रॉब्लम का, उनके स्टेटहुड का फ्रंट एंड सेंटर बन गया है इंटरनेशनल रिलेशंस में भी। वो हिंदुस्तान से मैं देख रहा हूँ कि जो लोग ज्यादातर इंटरनेट पे कमेंट कर रहे हैं, ये बिल्कुल उनकी जो इस्लामोफोबिया है मुसलमानों से और इस्लाम से जो नफरत है वो उसके बेसिस से इस मसले को देख रहे हैं और उस तरह के कमेंट कर रहे हैं। लेकिन वो बात बिल्कुल गलत है। फलस्तीनियों ने भी बहुत पिछले 75 साल से वो ऑक्यूपाइड हैं, गाजा और वेस्ट बैंक 50 साल से ज्यादा एक है, 16 साल से गाजा एक कैंप बना हुआ है जिसे आप कह सकते हैं इट्स लाइक ए कॉन्सेंट्रेशन कैंप, जो जहाँ पे ना कोई अंदर जा सकता है ना कोई बाहर आ सकता है। इसराइल ने अब इलेक्ट्रिसिटी, फूड, हर चीज सप्लाईज बंद कर दी है, तो बिल्कुल वो भूखे मर रहे हैं, उनके पास लाइट भी नहीं है। और ये सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, ये नहीं कि वो फाइटर्स हमास को टारगेट कर रहे हैं। तो इसराइल रेगुलरली सिविलियंस को टारगेट करता है, इनोसेंट सिविलियंस को, बच्चे मारे जाते हैं, औरत मारे जाते हैं, इंटरनेशनल लॉ कुछ कहता नहीं है। लेकिन जब हमास, जो यकीनन एक टेररिस्ट एक्ट था जिसमें उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से गैर इंसानी तरीके से पेश आया है, लेकिन उस पर एक किस्म से दुनिया उमड़ पड़, खासतौर से वेस्टर्न दुनिया को एकदम फिकर हो जाती है। तो ये जो इम्बैलेंस है कि एक कौम की इंसानियत की कदर करना और दूसरी कौम की बिल्कुल ही नहीं, इसकी वजह से ये मसला इतना लंबा होते जा रहा है। और आप दूसरी चीज ये है कि अब ये अनाउंसमेंट मिला है कि फलस्तीनियों ने तकरीबन 150 से ज्यादा हॉस्टेजेस लिए हैं, जिसमें अमेरिकन भी हैं और दूसरे मुल्क के सिटीजन भी है। और इससे इसराइल का जो जवाबी हमला है या बदला के, ये पिछले 4 दिन से ये जंग चल रही, 3 दिन से मुसलसिल इसराइल बमबारी कर रहा है गाजा के ऊपर, ये जरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्योंकि अगर हमास ये हॉस्टेजेस को मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक जगहों पे छुपा के रखे तो इसराइल के हमलों में वो भी मारे जा सकते हैं, क्योंकि इसराइल बिल्कुल इनडिस्क्रिमिनेटली मारता है लोगों को। अगर वो बिल्डिंग, वो सिर्फ हमास कहता है कि सिर्फ हमास को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जो भी वहां पर है सब मर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर इसराइल के हमले में अमेरिकन सिटीजन और बेल्जियम के सिटीजन और जो फॉरेनर्स कैप्चर हुए हैं। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड
मसला हो गया है। दूसरी चीज यह है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, आई एम सॉरी टू से, मैं खुद अमेरिकन हूँ लेकिन मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। और जिस तरह से बाइडेन रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, एक तो एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को उन्होंने जाया कर दी बाय डिमांडिंग ए सिंगल फोक पॉइंट एजेंडा, जो दूसरे लोग इस तरह की पहले चल जाता था अमेरिका की दादागिरी, बट अब नहीं चल रही है। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने B-52 बॉम्बर से हथियार पहुंचाना शुरू कर दिया। तो देखें आप कि गाजा के जो गरीब गाजा के सिटीजन्स हैं वो तो घेरे में बंद हैं, लेकिन अब खुले आर्म्स हथियार B-52 प्लेन्स भर भर के जा रहे हैं। अमेरिका से, यूरोप से भी हथियार देने के लिए वो तैयार हो गए हैं इसराइल को। तो सारी दुनिया के वेस्टर्न ममालिकों के हथियार जैसा यूक्रेन को जा रहे थे वैसा इसराइल को जाएंगे, और ये बेसिकली एक छोटे से इलाके में 25 लाख लोगों के ऊपर ये बदला, सारी वेस्ट की ताकत अनलीश किया जाएगा। और इससे समझना है कि ये मसाइल खत्म हो जाएंगे, इससे बड़ी बेवकूफ़ी मैं नहीं जानती। इससे और लोग मारे जाएंगे, इससे और हमास के लिए फाइटर्स, जो बच्चे बड़े होंगे, जिनके माँ बाप आज मारे गए, जिनके भाई बहन मारे गए, वो फिर जाके हमास ज्वाइन कर लेंगे। अमेरिका ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेजा है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर क्या वो F-16 फ्लाई करेंगे हमास से लड़ने के लिए? ये इस तरह के बेवकूफाना पॉलिसीज जो सिर्फ सिंबलिज्म है डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी से वोट हासिल करने के लिए, एक 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 और वजह है जिसकी वजह से अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इतनी इनफेक्टिव है। कहते हैं कि हाथ में हथौड़ा है तो जो भी चीज दिखती है उस पर सिर्फ हथौड़ा ही मारने चले जाते हैं, उनको हर चीज एक नेल की तरह लगता है। तो इट्स ए कंप्लीट फेलियर। अब ऐसे पूछ सवाल उठता है कि भारत का क्या रोल है, इंडिया का क्या रोल है? इंडिया में से अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं आया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो मतलब ही हॉरिफाइड ये टेरर एक्ट देख के, इंडिया एंड इसराइल स्टैंड विद इंडिया, उससे हट के और कोई स्टेटमेंट नहीं था। कह रहे हैं कि डिस्कशन बड़े सीरियस चल रहे हैं इंडिया के फॉरन डिबेट के, क्या पोजीशन लिया जाए। इंडिया के ताल्लुकात इसराइल के साथ काफी स्ट्रेटेजिक हैं, लेकिन अगर इंडिया के आप टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स को देखते हैं तो टॉप 7 में 5 मुस्लिम मुल्क हैं, और ऑलरेडी आपने देखा है स्टेटमेंट जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो इंडिया का I2U2 का भी पार्टनर है, और सऊदी अरेबिया जिसके साथ इंडिया IMEC के प्रोजेक्ट पे काम करे, इन्होंने बड़ी सख्ती से कहा है कि डी एस्केलेशन किया जाए, सिविलियंस को ना मारे, खासतौर से गाजा में। यकीनन ये इसराइल का बदला महीनों चलेगा और हजारों सिविलियंस मारे जाएंगे, तो इससे अरब दुनिया में बहुत गुस्सा बढ़ेगा। और अगर इंडिया एक एक तरफ साइड लेता है मुसलसिल, तो इंडिया इज गोइंग टू हैव डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स। मेरे ख्याल से ये सोचकर इंडिया अभी तक कोई ऑफिशियल लॉन्ग स्टेटमेंट अभी नहीं आया। दूसरी चीज ये है कि बात तो इंडिया बहुत करते हैं नरेंद्र मोदी जी के, मैं जो है सो ग्लोबल साउथ का लीडर हूँ, तो ये सबसे बड़ा मसला है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्लोबल नॉर्थ, पूरा का पूरा ग्लोबल नॉर्थ एक बहुत ही कमजोर, जो अभी मुल्क भी नहीं है, उसके ऊपर, ग्लोबल साउथ के ऊपर हमला किया हुआ है। तो ग्लोबल साउथ के लीडर कहाँ है? द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ कहाँ है? तो ग्लोबल नॉर्थ की तरफ से बात कर रही है। अगर आपको ग्लोबल नॉर्थ के आप साथ ही रहना है तो बस ग्लोबल नॉर्थ ही कहिए अपने आप को, फिर ग्लोबल साउथ के लीडर, ग्लोबल साउथ की वॉइस, ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट की क्यों बात करूं? ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट में डीकोलोनाइजेशन है, जो ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट में आज़ादी है, फलस्तीनियों की मुल्क की आज़ादी है। तो ग्लोबल साउथ की वॉइस कहाँ है? तो इंडिया अगर वर्ल्ड लीडर बनना चाह रहा है तो जो वर्ल्ड के मसाइल है उससे छुप के बैठना खामोशी से, और फेंस सिटिंग यानी किसी तरफ का साइड नहीं लेना, इज नॉट गोइंग टू बी ए लीडरशिप क्वालिटी। इतना अच्छा मौका है यहाँ पर जहाँ अमेरिका इज ब्लंडरिंग, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और लीडरशिप से साफ जाहिर हो रहा है कि इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स। तो ये मौका है इंडिया के लिए कि वो अपनी बताएं, अपनी ग्लोबल लीडरशिप, और इस मसले पर आगे बढ़े, कोशिश करें। और ये जो IMEC का प्रोजेक्ट, जो G20 से सबसे बड़ी इनिशिएटिव जो निकली, इंडिया, सऊदी अरेबिया, इसराइल और यूरोप का, इसका क्या होगा अगर ये जंग मुसलसिल चलते रही? तो मुझे नहीं लगता कि IMEC कहीं जाने वाला है। तो इंडिया के लिए भी काफ़ी इकोनॉमिक चैलेंजेस भी है, डिप्लोमेटिक चैलेंजेस है, और सवाल उठता है कि कैन इंडिया बी ए लीडरशिप ग्लोबल लीडर? अगर ग्लोबल लीडर है तो आप
पीछे बैठ के तमाशा देख नहीं सकते, यू हैव टू टेक सम डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव। अभी 4 दिन ही है, हो सकता है कि अगले हफ्ते इंडिया विल कम फॉरवर्ड विद सम प्लान टू डील विद दिस इश्यू। ये एक और मसला है कि इंडिया इज नॉट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इस बार, तो शायद इंडिया कुड नॉट प्ले ए बिगर रोल। बट देखते हैं कि क्या हो सकता है। कैन इंडिया के इतने क्लोज अरब एलाइज हैं, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो इनसे इनके साथ मिलकर, इसराइल के साथ मिलकर, या आई टू यू टू के थ्रू क्या इंडिया कोई नया प्रोजेक्ट पेश कर सकता है? ये सवाल है, इसके जवाब आइंदा देखेंगे। अब मैं आपसे छुट्टी लेता हूँ, आज मैं वैटिकन देखने जा रहा हूँ, वैटिकन में और सेंट पीटर्स बेसिलिका वगैरह जो अहम चीजें हैं। दुनिया का फिलवाकर सबसे बड़ा मजहब है और ये उसका सबसे बड़ा मरकज है, द मेक्का ऑफ कैथलिक्स, वहां जा रहा हूँ। फिर आपसे बात करूंगा, हो सके तो मैं कुछ तस्वीरें और वीडियोस भी लगाऊंगा रोम की, एक छोटा सा वीडियो बनाकर। बट अंटिल नेक्स्ट टाइम, आप अपना ख्याल रखें और बी अवेयर ऑफ, और हर तरफ से पढ़ें, एक ही तरफ की बात ना सुने। ये मसाइल ऐसे आसान नहीं है कि एक बिल्कुल अच्छा और एक बिल्कुल, ये पॉलिटिकल मसाइल है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और प्लीज कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।